दोस्तों सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपने क्षेत्रफल के मामले में भारत से लगभग 4571 गुना छोटा है। इसका मतलब सिंगापुर दिल्ली और इस्लामाबाद से भी छोटा है। इसके बावजूद भी सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत छोटे वक्त में विकास की बेमिसाल गाथा लिखी है। जब सिंगापुर 1965 में मलेशिया से आजाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसा कोई माध्यम या फिर ऐसी कोई चीज बची थी जिससे अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास ना तो खेती योग्य जमीन थी और ना ही खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या स्लम एरिया में रहा करती थी। जूनिपर रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। इतना ही नहीं बल्कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रैंकिंग में सिंगापुर पिछले 5 सालों में दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि उस वक्त सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी थी। लेकिन साल 1942 में जपान ने ब्रिटेन को एक शरणार्थी हार दी। लेकिन उसके बाद लगभग 2 से 3 साल बाद यानी कि 1944 से लेकर तो 45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला कर दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। मगर इस भारी नुकसान के बाद सिंगापुर ने खुद की कहानी लिखना शुरू कर दिया। बरसों बाद सिंगापुर ब्रिटेन और जापान के कब्जे से आजाद होकर और 1965 में मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। लेकिन इसके बाद सिंगापुर के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसे विकास के रास्ते पर ईंधन देने का काम कर सके। ज्यादातर लोग उस वक्त कच्चे झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति GDP $516 थी और तकरीबन आधी से ज्यादा लोक संख्या अशिक्षित थी। मगर सवाल ये आता है कि इतनी सारी घटनाएं घटने के बावजूद सिंगापुर की सूरत इतनी जल्दी बदली कैसे। अब सवाल ये आता है कि सिंगापुर ने इतनी जल्दी कैसे की ढेर सारी कमाई, तो चलिए जानते हैं। सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बड़ा योगदान। सिंगापुर मलक्का जलाडमारू मध्य के मुहाने पर स्थित है जहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। सिंगापुर को 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है और इसमें कई गहरे पानी वाले बंदरगाह है। यही नहीं ली कुआनी की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने में और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया। 1965 में आजादी के बाद सिंगापुर ने ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। इस वजह से दुनिया के बाकी हिस्सों में घोषणा हुई कि सिंगापुर व्यापार के लिए खुला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि निर्यात ही अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करता है। सरकार ने कर प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित किया। अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई और बेरोजगारी भी कम हुई, जो कि 1959 में बेरोजगारी 14% थी और 1970 के दशक में वो घटकर 4.5% हो गई। सिंगापुर में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने नए उपाय किए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम लागत के आवास और औद्योगीकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी तरह सिंगापुर बन गया जीरो से हीरो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।